हेलो दोस्तों, मैं देवाशीष एक बार फिर से आज आप सबके लिए अगली सीरीज के साथ। देखिए दोस्तों, आज से जो हमारी सीरीज चलेगी वो चलेगी फिजिक्स की चलेगी, ठीक है ना। यानी कि जनरल फिजिक्स की हमारी सीरीज चलेगी और इसमें हम लोग फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जैसा कि आज डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी कि रेलवे, SSC, नेवी, इन सारे एग्जाम्स में हम लोग इनके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारे चीजों की स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ज्यादा पूछते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उससे पहले शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हम सारी अपनी लेटेस्ट जितनी भी सीरीज हैं उनका सारा अपडेट आप तक अच्छे से पहुंचा सकें। और हाँ, यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको जनरल फिजिक्स, जो कि आप देख सकते हैं जनरल फिजिक्स क्या है। देखिए, आप तो बेसिकली हम समझते हैं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं। फिजिक्स रहेगी तो दो चीज इसमें होनी कंपलसरी है, दो चीज होनी कंपलसरी है। वो दो चीज क्या है, एक तो है मैटर, ठीक है ना, और दूसरी है एनर्जी, ठीक है। देखिए, आप सभी जानते हैं जो मैटर है और जो एनर्जी है ये हमारी फिजिक्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। और इन्हीं के कंबाइंड से हम कह सकते हैं हमारी फिजिक्स क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो हमारी फिजिक्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल साइंस, यानी कि फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं। जो हमारी फिजिक्स है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल साइंस। क्या कहते हैं, फंडामेंटल, क्लियर हो रही है, यानी कि मूल साइंस। आप देख सकते हैं फिजिक्स ही एक, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में से ऐसे डिपार्टमेंट है आपको हर जगह इसका एप्लीकेशन मिलेगा, हर जगह, एवरीवेयर आप इसके एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, या आप इसके यूजेस देखेंगे, आप इसकी वर्किंग देखेंगे, ठीक है। यानी कि आपको फिजिक्स हर जगह क्या दिखेगी, इन्वॉल्व दिखेगी, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी बेसिक स्टार्टिंग फिजिक्स है, वो देख लीजिए यूनिट क्या होता है। ये देखिए यूनिट, आप इसका हिंदी में नाम देख सकते हैं मात्रक, यानी कि मात्रक ये क्या होती है, एक ये स्टैंडर्ड होता है। मात्रक ये क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, या यू कहें एक ये यार्ड स्टिक होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखिए, आप मान लीजिए कोई भी हमारी राशि है, ठीक है, कोई भी राशि है, तो इस राशि को हमें सबसे पहले क्या हो करना होगा, इसे हमें मापना होगा। इस राशि का क्या होगा, मापन होगा, ठीक है, राशि का क्या होगा, मापन होगा। तो इसके मापन के लिए जो हमारा मानक होता है, यानी कि जो यार्डस्टिक होता है, यही यार्डस्टिक मानक है, राशि के मापन के लिए जो मानक होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, मात्रक कह देते हैं। ये बात क्लियर हो रही है, किसी भी राशि के मापन के जो भी हमारा मानक रहेगा वही हमारा मात्रक कहलाएगा, ठीक है। बात करें मात्रक के प्रकार की, तो मात्रक हमारे पास दो तरह के हैं, क्लियर है, मैं यहां लिखता हूं, मात्रक हमारे पास कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं। अब ये दो कौन कौन से हैं, देखिए, एक तो सबसे पहले होते हैं मूल मात्रक। क्या होते हैं, मूल मात्रक, ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एक होते हैं मूल मात्रक, और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इन्हें हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो रहा है। इसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और ये होता है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। मूल मात्रक क्या होते हैं, जो SI हमारी सिस्टम होती है, SI पद्धति जो होती है, SI पद्धति में जो मूल, जो इनकी संख्या बताई गई है मूल मात्रकों की, वो कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है, क्लियर हो गई है, कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है, ठीक है। और यही मतलब जितने मैं आपको बता दूं कि मूल मात्रक की सहायता से जो भी मात्रक होंगे वही कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ में आ गई यहां तक, मूल मात्रक की सहायता से जितने भी मात्रक होते हैं वे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, क्लियर है। अब देखिए, कुछ मूल मात्रक है, चूंकि इनकी पूछी जाती है डायरेक्ट, इनकी यूनिट ही पूछी जाती है, ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। और ये स्पेशली रेलवे, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में तो आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात को तो आप एकदम मान के चलिए, श्योरिटी है। चलिए तो हम आगे देखते हैं, तो ये देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं, इनकी टोटल जो नंबर है वो कितनी है, 7 है, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई देखिए, लंबाई का जो मात्रक है वो हमारा क्या मैंने लिखा, मीटर लिखा है, ठीक है। और ये जो लिखा है ये इसका सिंबल है, ये इसका क्या है, सिंबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। देखिए लंबाई में भी कुछ लोग कंफ्यूज कि सर सेंटीमीटर, सर मिलीमीटर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करेंगे जब SI की तो हमेशा वो मीटर होगा, SI यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट है ये, ठीक है ना।
बात करें द्रव्यमान की तो वो होता है किलोग्राम, इसमें भी सब कुछ कंफ्यूज, कुछ ग्राम में, ठीक है, कुछ लगेंगे इसी में दिमाग लगा के पाउंड वाउंड का यूज कर रहे हैं, तो नहीं भाइयों ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सब आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, अच्छी बात है ये बहुत इजी है और इसे हम यूं कहें तो पहले से ही पढ़ते आए हैं, बट जब हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं तो वो ऐसे रहते हैं कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं। बात करें समय की तो हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना, ये इसकी सिंबल। टेम्परेचर में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लगाएंगे सब डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट, तो नहीं, टेम्परेचर हम हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं, यानी कि वो केल्विन में रहेगा। किस में रहेगा? केल्विन में। बात करें और जब भी एक चीज मैं यहाँ नोट आपको बता देता हूँ, जब भी हम केल्विन लिखेंगे तो हम डिग्री का यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना, वी विल नेवर यूज ऑफ डिग्री, ठीक है ना, लिखते वक्त, डिनोट करते वक्त, सिंबल क्लियर है। विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता बहुत ही पूछा जाता है, ये रेलवे में तो एकदम पूछा ही जाता है, फेवरेट समझ लीजिए यू कहें, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक है। और दूसरा है पदार्थ के परिमाण की, जो पदार्थ का परिमाण होता है वो मोल होता है, क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। तो पदार्थ के परिमाण भी बहुत पूछे जाते हैं, इसकी भी आप नॉर्मल तरीके से एकदम समझ सकते हैं कि पदार्थ के परिमाण के मतलब जैसे या तो मोल लिखा रहेगा, पूछेगा किसका है, या फिर ये लिख देगा पदार्थ के परिमाण के बताइए मोल, ठीक है। ये मोल आपको मोल में मोल वाले कॉन्सेप्ट मैंने इसी में आपको एक एवोग्रेडो नंबर भी बताया था, 6.022 × 10²³ ऑफ मोल के, ठीक है। तो ये भी बहुत पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं? एवोग्रेडो नंबर। इसकी वीडियो मैंने केमिस्ट्री वाले सीरीज में अपलोड की है, आप उसे वहां से देख सकते हैं, क्लियर है। अब मैं यहीं से आपको बता देता हूं कि जो ये जो हमारे कुछ अभी देखिए मूल मात्रकों की बात करें तो वो इसी से मिल करके बनेंगे, तो ढेर सारे हैं, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से एक इसी का एक संपूरक मात्रक पूछता है, क्या पूछता है? संपूरक, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण, मैं लिख देता हूं, दो होंगे हमारे, ठीक है ना, ये संपूरक मात्रक है, इसका बहुत पूछा जाता है। एक मैंने आपको क्या बोला था? समतल कोण, क्लियर है, समझिएगा, अभी बताता हूं इससे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था आपको घन कोण, तो घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। अब देखिए ये एक चीज मैं आपको यहां से बता देता हूं, एक इसकी बात करें यूनिट की तो इसका यूनिट होता है रेडियन, क्या होता है? रेडियन, बात समझ में आ गई। और इसके यूनिट की बात करें तो इसका होता है स्टेरेडियन, क्या होता है? स्टेरेडियन। बहुत पूछा जाता है ये घन कोण, तो एकदम फेवरेट है घन कोण का स्टेरेडियन, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये ऐसे हैं कि आप डायमेंशन वगैरह में जाएंगे तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ मात्रक में ये मिल जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चंस पूछ देता है, बात समझ में आ गई आपको। यहां तक आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज एकदम डेफिनेटली आराम से देखिएगा आगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड और जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब हम लोग देखेंगे यहां से। एक चलिए उसको मैं बताता हूं, एक चीज और मैं यहीं से आपको बता देता हूं। एक होता है कि मैं आपको बता दूं बहुत लंबी जो दूरी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड मात्रक पूछ देता है और उनकी आपस में रिलेशन वैल्यू पूछता है, तो अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किस राशि का या किस मात्रक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब बहुत लंबी दूरी मापने होती है तो हमेशा उसके लिए जो यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष, क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। इस नाम को आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई। तो प्रकाश वर्ष की सहायता से हम लंबी दूरी मापते हैं। अब ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिलेशन बिटवीन प्रकाश वर्ष और मीटर, कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो ये वैल्यू जानी है, ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है? 9.46 × 10²⁵ मीटर की, कितनी होती है? 9.46 × 10²⁵ मीटर की, बात समझ में आ गई। और एक चीज यहीं से मैं नोट लिख देता हूं कि जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस, इसको मापने की जो सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट यानी कि सबसे बड़ी इकाई, मैं यहां लिख देता हूं। एक भी चीज मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं लिख लिख के सारी चीजें बता देता हूं। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे कहते हैं पारसेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? पारसेक है, ठीक है। अब इनमें भी रिलेशन जान लीजिए, क्या होता है कि जो एक पारसेक होता है हमारा, ये थोड़ा सा, एक पारसेक जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? तो जो एक पारसेक की वैल्यू होती है वो देखिए 3.26 किसके? लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष की होती है, बात समझ में आ गई। तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष।
अब एक प्रकाश वर्ष में आपने देखा 9.46 × 10^15, तो यहां से इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.08 × 10^16 मीटर। इसे याद करिएगा आप लोग डायरेक्ट ही, कन्वर्ट वगैरह करने की वहां पे कोई टाइम नहीं रहती, इसलिए आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे। एक तो 3.26 प्रकाश वर्ष और दूसरी 3.08 × 10^16, ठीक है ना, ये 16 है। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहां से हमारे जो क्वेश्चंस क्या तैयार हुए, एक तो हमारी लंबी दूरी के लिए प्रकाश वर्ष तैयार हुआ, प्रकाश वर्ष की वैल्यू तैयार हुई, दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक तैयार हुई, एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष और 3.08 × 10^16 मीटर क्लियर हो गए। इतनी सारी इससे जो छोटी छोटी थी वो चीजें तैयार हो गई। तो दूरी से आपके रिलेटेड जितने भी रहेंगे इन्हीं में से रहेंगे, ठीक है। बाकी जो छोटी बहुत है वो मीटर वगैरह तो है ही, वो तो अलग बात हो गई। बात समझ में आ गई आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं? हम सभी जानते हैं कि जो एक चीज और यहीं से चलिए मैं बता देता हूं, दूरी कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि माइनस में आप क्या दूरी तय करेंगे, ठीक है। लोग कहते हैं भाई पीछे, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दूरी से एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटा सा टॉपिक था। तो देखिए, एक तो आप जान गए दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, यानी ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और दूसरी ये बात कि दूरी जो है ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ये भी बहुत पूछा जाता है, अदिश राशि, ठीक है। इस पे मैं आपको एक अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में, सदिश और अदिश राशियों को कैसे इजीली पहचाने, कैसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, बाकी उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्लियर है। तो फिलहाल आप यहां जानिए कि दूरी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। मैं छोटी छोटी चीजों को बीच बीच में भी अटैच कर देता हूं ताकि आपके ये माइंड में बना रहे, आपको रिकॉल करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ देखिए, आपको यदि इनको समझने में या और भी चीजों में दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसे दूर कर सकूं, उस पर मेहनत कर सकूं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से मैं क्या कर सकूं, प्रेजेंट कर सकूं। चलिए अब हम लोग देखेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। अगली जो हमारी यूनिट जो क्वांटिटी है राशि वो है फोर्स। अब देखिए फोर्स परिभाषाओं पे तो आप देखिए सभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है। यानी कि आप यूं समझिए कि फोर्स का काम क्या होता है, ये हमेशा मोशन या यू कहें कि हमारा जो स्टेट होता है, स्टेट ये क्या कर देता है, चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा स्टेट चेंज करता है। मोशन में है तो उसे वो क्या कर देगा, रेस्ट में ला देगा, रेस्ट में है तो उसे मोशन में भी ला देगा, यानी कि वो हमेशा स्टेट क्या करेगा, चेंज कर देगा, फोर्स, क्लियर है। फोर्स के अब चलिए इसकी मैं छोटी छोटी सारे जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है मैं बताता चल रहा हूं, आप उसे नोट करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। फोर्स सबसे पहले जान लीजिए ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। बात करें इसके यूनिट की तो देखिए इसकी यूनिट बहुत है और इनमें रिलेशन भी बहुत है, तो मैं उन सारी यूनिट्सों को और सारे रिलेशन को आपस में बताता चल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी यूनिट है मैं दोनों बता देता हूं, एक है एसआई यूनिट और एक है सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो एसआई में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन, मैं लिख देता हूं। और जो सीजीएस में होती है वो होती है डाइन। क्या होती है, डाइन, क्लियर हो गया। एसआई में न्यूटन, सीजीएस में डाइन। तो आप जब प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप ये जरूर देखिएगा कि वो जो यूनिट पूछ रहा है वो किस फॉर्म में पूछ रहा है, एसआई में पूछ रहा है या डाइन में पूछ रहा है, इस चीज को आप जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपसे ये गलतियां हो जाएंगी। अब एक चीज देखिए, ये तो आपने देखा, इनमें रिलेशन भी कुछ है, वो रिलेशन देख लीजिए। जो एक न्यूटन होता है वो कितना होता है, 10^5 डाइन जो होता है, एक न्यूटन 10^5 डाइन के होता है। ये रिलेशन भी आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट ही पूछा जाता है, या तो न्यूटन से डाइन में पूछेगा, अदरवाइज डाइन से न्यूटन में पूछेगा, तो आप यहीं से कन्वर्ट कर लेंगे। बात आपको समझ में आ रही है, कोई डाउट यहां तक नहीं? अब देखिए फोर्स के कुछ हमारे रूल्स भी हैं, ठीक है, उन रूल्सों से बहुत ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। अब इनमें एक चीज और यहां से मैं आपको बता दूं कि फोर्स, एक तो इनमें जो बेस्ट फॉर्मूला इसका है, फोर्स बराबर एफ इज इक्वल्स टू, ये होता है एम इंटू ए। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। और ये जो है हमारा, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर m इंटू ए, ठीक है। इनमें रिलेशन डायरेक्ट ही पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे, ओके। m हमारा मास है, a हमारा एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक नहीं है? चलिए बात करें इसकी, देखिए यहीं से हम इसकी वीमा भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी क्या निकाल लेते हैं, वीमा भी। तो देखिए फोर्स की बीमा हम कैसे निकालेंगे, एफ की बीमा निकालना हो तो एम इंटू ए निकालेंगे, एम हमारा होता है केजी, ठीक है, यानी कि मास, और ए हमारा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है। तो बीमा निकालने के लिए देखिए कुछ बेसिक मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि तभी तो आप समझेंगे ना।
ये एम एल टी ये बेसिक फॉर्मूले को हम लेके चलते हैं बीमा निकालने के लिए। एम हमारा मास वाले सिस्टम को डिनोट करेगा, एल हमारा लेंथ को बताएगा, टी हमारा टाइम को बताएगा। ये बात आप समझ गए। अब देखिए बीमा कैसे निकालते हैं तो उसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए मैं आपको यहीं से बीमा डायरेक्ट ही बता देता हूं, आप इसे इस बीमा और ये अधिश अधिश का मैं एक में अटैच करके सेपरेट वीडियो बता दूंगा ताकि आप लोग आसानी से उसे देख सके। ठीक है, इसका डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एम एल टी माइनस टू। यहां से हल्के से ब्रीफिंग दे देता हूं आपको। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर हमारा एल हो जाएगा अपॉन ये टाइम है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, यहां से हो गया। अब देखिए एम हमारा केजी यानी कि कैपिटल एम है तो देखिए एम हो गया ये एल टी माइनस टू, यहीं से आप देख सकते हैं। क्लियर है, बाकी मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप डेफिनेटली परेशान ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट इसकी सीरीज है वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, और इसके लिए तब तक आप इसे देखते रहें, वॉच करते रहें, पढ़ते भी रहें। ठीक है, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं सारी सीरीज आप तक पहुंचा सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।